गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये है पार्ट 3 हमारी हिमाचल ट्रिप का। और सुबह के हो रहे हैं 9:30। निकले में हम थोड़ा सा आसपास का जो हमारा विला है उसको विजिट करने। तो मैं अभी बैक कैमरा से जहां हम लोग करंटली वॉक कर रहे हैं आपको वो दिखाता हूं। यार बहुत ही ज़बरदस्त विला बनाया, मतलब मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था कि आसपास भी इतने ज़बरदस्त व्यू मिलेगा। आप ये देखो, पीछे से दिखाता हूँ, आप ये देखें, ये हमारे विला के पीछे का पहाड़ पूरा है और छत से पूरा व्यू में यही दिखता है। आप लोग कभी भी अगर हिमाचल वगैरह आने का सोच रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप अगर 5-6 जने आ रहे हो तो विला ही लो। क्यों वेद, अगर 5-6 जने आ रहे हो तो विला ही लो, ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा। ओयो में मज़े नहीं आएंगे, विला में आपको पूरा विला आपका होगा, बहुत मज़े आएंगे। तो कितना साफ पहाड़ दिख रहा है आज एकदम। चलो बन रही है अभी चाय करेंटली, और सबको भेज दिया मैंने नहाने धोने के लिए कि भाई सब फटाफट जाओ नहा धो कर आओ, तो मैं चाय तैयार रखता हूँ क्योंकि हम लोगों को हो रहा है लेट और हम लोगों को निकलना है डलहौजी के लिए। बहुत ही रैंडम प्लान वाला एकदम से कि भाई डलहौजी चलते हैं। 3.5 घंटे का रास्ता है, 11 बज रहा है इस टाइम अभी, पहुँचते पहुँचते लगभग 3:30 बज जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई सब तैयार हो फटाफट, जैसे कोई बंदा नहा धो कर आएगा तो फिर वो ये चीज़ कंटिन्यू कर लिया चाय वगैरह बनाना, जो मैगी वगैरह बनानी है तो मैं नहाने चले जाऊँगा। A few moments later. Finally, हम लोग निकल रहे हैं डलहौजी के लिए और सारे लौंडे एकदम बढ़िया तैयार हो चुके हैं, चमचम हो रहे हैं एकदम ही। क्यों? So guys, अब आपको हम दिखाएंगे मिनी स्विट्जरलैंड कुछ ही देर में, बस टाइम से पहुंच जाए तो आपको दिन का समय बिल्कुल बढ़िया दिखेगा, वरना हो सकता है थोड़ी शाम भी हो जाए। अच्छी धूप निकली और आज मतलब कुछ यहाँ पे हिमाचल में त्यौहार होता है तो उसमें बोला जाता है कि बारिश नहीं होती है, तो डेफिनेटली आज प्रेडिक्शंस करी गई थी, वो इतनी जबरदस्त थी। मैंने बताया था ये बात कि भाई रह गए मौसम विभाग वालों, क्या हो गया है? भाई आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है पेंटिंग हो गई है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है, यू बढ़ा दिया है किसी ने। सो गाइस आज है ये ब्लॉग का पार्ट 3 और इसी के साथ हम लोग का हिमाचल ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा। कल से हम लोग दूसरा स्टेट कवर करेंगे, पंजाब। तो आपको कल से बढ़िया एक नया स्टेट, एक नया फन मिलेगा व्लॉग में। पूरी जितनी भी हम लोग बना रहे हैं उसको ट्रैवल सीरीज को पूरा देखिएगा एक साथ बैठ के, क्योंकि घर पहुंच के मैं एक साथ ही सबको एडिट करके फिर ही अपलोड करूँगा। तो ये पीछे से देखिए, मजाक उड़ा रहे हैं आराम से। ब्लॉगर हरिया ब्लॉगर असली दोस्त। हेलो गाइस हम लोग हाफ वे आ चुके हैं ना, हाफ वे 2 बज रहा है। हम लोग लगभग 12:40 में निकले थे और लगभग हमने 1.5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं डलहौजी के। और जहाँ हम रुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए वहाँ से आप व्यू देखो। अरे नहीं इलाही मेरा जी, अरे चल नीचे मैं तो जा रहा हूँ, गाड़ी बंद कर लो। पिक्चरों में दिखाया जाता है वो आज सीन रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है। अरे यार कद्दू लेसिंग घुल जा रही है बार बार लेसिंग मार। ये है व्यू यहाँ का, लेक साइड व्यू, बहुत ही जबरदस्त व्यू है। और वेद ने भी एंट्री ले ली है। अरे हो जा भाई, ओए होए 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 ओए होए 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 ओए कैंपिंग कर ले यहीं पे ही। इसी के साथ जो हमारी रिवर कैंपिंग थी वो कंप्लीट होती है और चलते हैं वापस अब ड्राइविंग की तरफ। 2:19 हो रहे हैं और यहाँ से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता बचा है, तो 3:30 लगभग हम डलहौजी पहुँच जाएंगे।
बादल नीचे रहेगा। कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है? मोरी भैया भूखा देख रही है। अरे भाई साहब सो गाइस फाइनली आफ्टर ड्राइव ऑफ 4 आवर्स पूरी कंटिन्यूसली चलाई, बीच में एक स्टॉप लिया था बस, जब आपको वो नहर वाला पार्ट दिखा होगा बस वही स्टॉप लिया था, उसके बाद कोई स्टॉप नहीं लिया। सर में दर्द भी काफ़ी हो रहा था क्योंकि थोड़ा ऑक्सीजन का दिक्कत हो रही थी, बट पहुँचना था तो कंटिन्यूस चलाइए। और आप समझ लो ज़बरदस्त रोड थी, मतलब ज़बरदस्त रोड इन द सेंस काफ़ी डिफिकल्ट थी, बट हो गया और स्पीड से हो गया, ये भी नहीं हल्के हुआ। और जो यहाँ पे आके आपको व्यू दिखाया वो बिल्कुल वसूल है, मेहनत करना फुल वसूल है। ये जो मेन ग्राउंड है ना भाई, इसकी अट्रैक्शन अल्टीमेट है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ बैक कैमरा से व्यू, जब हम लोग कार से एंट्री करते, अब तो हमने कार आगे खड़ी कर दी, बट ब्लॉग के लिए मैं थोड़ा सा आगे चल के जा रहा हूँ। सो गाइस ये हमारा खजियार का मेन ग्राउंड, जहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, बट बारिश वारिश के मौसम की वजह से वो स्पोर्ट्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको हॉर्स राइडिंग भी मिलेगी, जिसके चार्जेज है 300 रुपीज़। तो अगर आपके पास टाइम है, हम पे टाइम की कमी इसलिए हम कर नहीं रहे, 2 किलोमीटर का उसका रन है और लगभग 25 से 30 मिनट में आपका पूरा हो जाता है, तो आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी खजियार में आपका मेन जो अट्रैक्शन है वो ये ग्राउंड ही है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप गाड़ी अपने लगा सकते हो, बिना कोई पार्किंग भी कॉस्ट नहीं है, बस 50 रुपये की पर्ची कटती है एंट्रेंस फीस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। आप देखो ग्रासलैंड जो होते हैं, प्रॉपर पेड़ देखो, पेड़ है आपने बिल्कुल ऐसे पिक्चर वगैरह में देखे हो जब स्विट्जरलैंड वगैरह में कोई शूटिंग वगैरह होती है। तो अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस रास्ते से आए हैं वो रात में ड्राइव करने के लिए इतना सही नहीं है, तो अगर आप भी क्या नाम है खजियार या डलहौजी आने का सोच रहे हैं वाया जोत, तो मेक श्योर करें आप दिन दिन में ट्रैवल कर लें। दिन दिन में ट्रैवल करने के लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट रात में मैं सजेस्ट करूँगा कि उस रोड को आप ना पकड़ें, आप यहाँ से जाओ चंबा, चंबा मेन एंटर नहीं करना है आपको शहर में, चंबा जाओ और उसके बाद आप यहाँ से जाओ पठानकोट वाली रोड पकड़ के आप धर्मशाला निकल लो, 25-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट आपको रोड NH नेशनल हाईवे मिलेगा, तो वो आज ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कीचड़ हो रखी है तो पूरा पैर धस रहे हैं बुरी तरीके से। मतलब जो व्यू है जो आंखों से दिख रहा है, कैमरा कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, आपको इन पर्सन आके इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बट जितना कोशिश हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा वगैरह मेरे पे है नहीं, ऐसे अपना सपोर्ट बनाने लगे तो बिल्कुल हम लोग अच्छा DS लगा के भी शूट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इतनी गायें हैं यार, ये गाय तो देखो भाई साहब, इस ग्रास में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पूरे जूते तर हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है नीचे कुछ है ही नहीं। क्या है भाई, खिंचवाओ खिंचवाओ, ये दिखाना जरा, ओए ओए उठ जा, तो क्या हो गया? तो भाई यहाँ पे इन लोगों ने खरगोश की एंट्री करवा दी है। ये देखियो भाई पूरी पीठ पे घूम गया, कहीं और आना चाह रहा, पुशअप ला, ये कहीं और आना चाह रहा, अरे
अबे सही में वहीं जा रहा है, पहुंच गया पहुंच गया। अब फटाफट से पहुंचते हैं विला और आपको मिलेंगे वहीं पे। क्या आप कैमरा बंद कर देंगे? सो गाइस, आफ्टर 6 घंटे की कंटिन्यूस ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने विला में और टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और लगभग हमने कंटिन्यूस ही गाड़ी चलाई, नॉन स्टॉप चलाई है और बीच में थोड़ा रास्ता काफ़ी ख़राब था, मतलब डरावना सा था। तो इसी नोट पे आज पार्ट 3 को यहीं एंड करते हैं। आपको किसी वजह से ब्लॉग पसंद आया डेफिनेटली लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें मैंने बिल्कुल मिल जाएगा। इसी नोट में मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बाघा बॉर्डर, जो आपको बड़ा वाला झंडा दिख रहा है वो इंडिया का, छोटा वाला जो पाकिस्तान का है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल और